जरूल का पेड़ है। इसका बोटेनिकल नेम लार्जेस्टोमिया स्पीशियोसा है और इसको प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव ट्री है। इस पेड़ को कई बार लार्जेस्टोमिया इंडिका से कंफ्यूज कर लिया जाता है, जबकि लार्जेस्टोमिया इंडिका इसका एक छोटा वर्जन उसको कह सकते हैं, वो इससे काफ़ी छोटा होता है। जबकि इसकी हाइट यदि हम देखें तो यह 30 से लेके 40 मीटर के आसपास तक का रहता है, जबकि लार्जेस्टोमिया इंडिका है वो एक श्रब टाइप है और उसकी हाइट मुश्किल से 10 मीटर तक पहुंच पाती है। यह ऑर्नामेंटल और टिम्बर के रूप में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। आसाम के अंदर इसकी लकड़ी को बहुत अच्छी लकड़ी माना जाता है, तो टिम्बर के रूप में वहाँ इसको मेनली उगाया जाता है। हरियाणा में इसको मोस्टली ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पर देखा जाता है। तो इस ट्री की पहचान के लिए हमारे पास, जैसे इस ट्री के पत्ते हैं, तो पत्तों को हम यदि देखें, लीव्स को, तो सिंपल लीफ हैं ये और इस तरह के लीफ दिखाई देंगे। गिरने से पहले यानी ऑटम सीजन से पहले जो लीव्स हैं इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ये ग्रीन से रेडिश होने शुरू हो जाते हैं और रेडिश होने के बाद उसके बाद ये टूट के नीचे गिर जाते हैं। इसके अंदर जो फ्लावरिंग है जुलाई से सितंबर के बीच काफ़ी होती है और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में इसके ऊपर सीड लगना शुरू हो जाते हैं। जो सीड हैं इसके वो इस टाइप के गुच्छों में लगते हैं। यदि हम ऊपर भी देखें तो अभी भी कुछ गुच्छे हैं जो है सीड्स के लटके हुए हैं। तो इसके सीड की पहचान क्या है कि शुरू में जो सीड आने शुरू होंगे नवंबर दिसंबर के आसपास, तो शुरू में इसका ग्रीन कलर होगा, उसके बाद धीरे धीरे ब्राउन हो जाएंगे और लास्ट में जब ये गिरने को होते हैं तो ये ब्लैक हो जाते हैं। इस तरह का ओवल शेप का इसका सीड रहता है और इसके इसको पॉड को यदि तोड़ें, हम फ्रूट को तोड़ें, तो इस तरह से इसके अंदर से जो है सीड निकलते हैं, बिल्कुल हल्के या सीड होते हैं। और यदि इन सीड का वेट किया जाए तो 1 kg सीड के अंदर ही जो है 50,000 के आसपास जो है सीड्स निकलते हैं। और इसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी है, 70% के आसपास ये जर्मिनेशन परसेंटेज शो करता है। इसके जो सीड हैं ये ऑर्थोडॉक्स टाइप सीड हैं, यानी इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं सामान्य तापमान पर भी लगभग 2 साल तक। तो इसका जो जर्मिनेशन पीरियड है वो लगभग 3 सप्ताह तक है, यानी थैलियों में सीड को डालने के बाद 3 सप्ताह के अंदर इसके अंदर से सीडलिंग निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि इसकी जो बार्क है इसको देख के भी इस ट्री की पहचान की जा सकती है। इसकी बार्क के अंदर ऐसे जो है लंबाई में क्रैक्स हमें दिखाई देंगे। यह जो पेड़ है इसके कई तरह के मेडिसिनल यूज भी हैं। इसके पत्तों को, जैसे इसके पत्ते हैं, इसके पत्तों को धो करके साफ करके और यदि इनका काढ़ा बनाया जाए, अच्छी तरह से उबाल के पानी में इनको साफ काढ़ा बना के इसको सुबह शाम यदि हम पीते हैं तो इससे डायबिटीज है जो वो बहुत जल्दी दूर होती है। तो मेडिसिनली भी इसका काफ़ी यूज है। यह जो पेड़ है इसको सैंडी सोयल को छोड़ के बाकी हरियाणा में जो भी सोयल मिलती है, जैसे लोम है और अलवियल सोयल है, उसके अंदर लगाया जा सकता है। ये बड़ा हार्डी प्लांट है और कई बार तो ये वाटर लॉक्ड एरिया में भी यदि इसको लगाया जाए तो वहाँ पर भी इसकी सक्सेस परसेंटेज जो काफ़ी अच्छी रहती है। तो आज का हमारा पेड़ था लार्जेस्टोमिया स्पीशियोसा। इसको लार्जेस्टोमिया इंडिका से कन्फ्यूज नहीं करना है, वो इसका एक छोटा वर्जन है जिसको सावणी भी बोलते हैं, जबकि इसको जरूर बोला जाता है। थैंक यू।